आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनाव में मायावती के एक्टिव नहीं होने पर प्रियंका गांधी हैरान, कहा बीजेपी बना सकता है दबाव। सपा से फिर खपा हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा शर्मनाक पराजय के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी, 10 मार्च की दी तारीख। देश भर के डीएम से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, कहे मुद्दों पर होगी चर्चा। केएल राहुल बने लखनऊ के कप्तान, आईपीएल सैलरी मामले में विराट कोहली से निकले आगे। घंटे में कोरोना के 3,37,000 नए केस आए सामने, 448 ने गवाई जान। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा, करीब दो घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम योगी भाग लेने के साथ ही सीएम डीजी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जहां कोविड-19 को लेकर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य व प्रशासनिक अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करें और फिर मीडिया से बातचीत करेंगे। इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों के साथ चुनाव बैठक करेंगे। करीब एक घंटे तक बैठक में मौजूद रहकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मैरिज होम से सीधे पीएससी स्थित हेलीपैड से बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश में बलिया में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की हार का जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को ठहराया है। कहा कि पिछले चुनाव में सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थे सपा के साथ, इसलिए हारे चुनाव। इस बार ये लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम इस बार 400 सीट हासिल करेंगे। पिछले चुनाव में सपा के विकास पर फरेब पड़ गया था। बधी बधाई बात बोल दी कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब के बहकावे में जनता आ गई, विकास को भुला देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर भरोसा करने का काम किया, उस झूठ को के बल पर सरकार बनाई। ये आपकी बात भी सही है कि इस बार हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इस बार हमारे पास स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इस बार दारा सिंह चौहान जी हैं, इस बार हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, इस बार हमारे साथ शिवपाल जी हैं, इस बार हमारे पास केशव दास मौर्य हैं। ये तमाम ताकतें जो पिछली बार भाजपा के साथ थी, वो भाजपा को तिलांजलि देने के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी। रायबरेली में चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की है। चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने जिले भर में 65,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें 52,000 लोगों को पाबंद किया गया है। वहीं 176 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जिले में चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका के तहत पुलिस ने 35 लोगों को जिला बदर भी किया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की 10 धाराएं भी लगाई हैं। जनपद रायबरेली में चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए भारी मात्रा में हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की है। हम लोगों ने ऐसे लोगों का चिन्हीकरण भी किया है जो लोग चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं या उनसे गड़बड़ी करने की संभावना है, और उनको परीक्षण करके उसी के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद रायबरेली में करीब 65,652 लोगों को 116 की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है, जिसमें 52,668 लोग पाबंद किए जा चुके हैं 116(3) में, जो उनको 50,000 या 1,00,000 या उनकी हैसियत को देखते हुए 2,00,000 और गंभीरता को देखते हुए 5। बस्ती में हो रहे सड़क मरम्मत कार्य में मरम्मत कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। सड़क मरम्मत कार्य में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का जनता सड़क पर विरोध कर रही है। बता दें कि सड़क निर्माण के तीसरे दिन से ही सड़क की गिट्टियां उखड़ कर किनारे लग गई हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पर चलने वाले कई चोटिल लोग हो चुके हैं। अभी तक पीडब्ल्यूडी के किसी भी अधिकारी द्वारा इसकी जांच नहीं की गई है। इस सड़क पर कार्य रोंगी पार चौराहे से होकर नगर कलवारी मार्ग एनएच
तक होता है। अभी शुरुआती दौर में ही जब घटिया निर्माण कार्य हो रहा है तो ठेकेदार द्वारा आगे के कार्य कैसा होगा? अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना में एक महिला भी हादसे का शिकार हुई है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद, घायल को SHCH से पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिन दहाड़े महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना अमेठी कोतवाली क्षेत्र की है जहां दबंग बाप बेटे ने न सिर्फ महिला के साथ अभद्रता किया बल्कि मारपीट करते हुए उसका मकान भी जला दिया। फिलहाल पीड़ित महिला के पति ने पुलिस से शिकायत किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां के थाना फैजगंज बेटहा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बझेड़ा में सरसों के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में जानकारी ली गई और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। एक सरसों के खेत में एक लगभग 22 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी के मिलने की सूचना मिली जिस पर मौके पे फैजगंज बेटा की पुलिस पहुंची और बाद में उस मृतक की शिनाख्त मनबीर पुत्र शर्फीलार ओरछी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले ओरछी गांव के निवासी के रूप में हुई। इनकी बझेड़ा में एक दुकान है जिस पे ये प्रातः 10 बजे गए थे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पे। उसके साथ बैठ करके थोड़ी देर अलाव तापा, दुकान में बैठे, उसके बाद मोटरसाइकिल से ये बगल में टेलर को बता करके कहीं जाने की बात बता करके गए और दोपहर में इनकी डेड बॉडी वहाँ पे सरसों के खेत पे मिली है। इसमें परिजनों ने अज्ञात हत्या के अभियोग की तहरीर दी है। इसमें हत्या का अभियोग थाना फैजगंज बेटा जनपद बदायूं में कायम किया जा रहा है। मोटरसाइकिल खबर मऊ से है। जनपद के गिरधारी पहारी स्कूल के पास एक युवक को गोली मार दी गई। बता दें कि युवक अपनी गाड़ी का सर्विस सेंटर पर सर्विसिंग करा रहा था कि तभी युवक को 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाश गोली मारते हुए फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया और आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है। सरकार द्वारा जहां एक ओर किसानों की आय दुगनी करने की बात कही जा रही है वहीं भूखो मरने की कगार पर खड़ा किसान अपनी लहलहाती फसल को बचाने में दिन रात परेशान नजर आ रहा है। बता दें कि सलोन तहसील में परदेशपुर चौकी अंतर्गत मवेशियों से परेशान किसानों ने एकजुट होकर छुट्टा मवेशियों को एक बाउंड्री वॉल में बंद कर दिया है। ये मवेशी रवि का फसल नुकसान कर रहे थे तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा गौशाला बनाया गया है लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज भी छुट्टा पशु इधर उधर घूमते रहते हैं जिनकी वजह से आलू गेहूं मटर सरसों की खेती बर्बाद हो रही है। किस गांव के निवासी हैं आप? पसदेपुर के। क्या समस्या है आपकी? साहब गोरु बहुत परेशान करे हैं, खेत चले जा रहे हैं सब। हम बुढ़ापा साहब रात भर दौड़ा करे थे। किस गांव के निवासी हैं आप? पसदेपुर के। क्या समस्या है आपकी? साहब गोरु बहुत परेशान करे हैं, खेत चले जा रहे हैं सब। तो यह रही उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।